हेलो दोस्तों, मैंने आज मॉर्निंग में इस पे वीडियो डाला था, पर कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से साउंड नहीं आ रहा था। तो मैं ये फिर से वही वीडियो आपको दिखा रहा हूँ और उसी पे क्वेश्चन लेंगे। व्हाट इज़ लाइन दैट गोज अक्रॉस द पेजेस वेयर स्काई मेट द लैंड। तो ये तो आप समझते हो कि पर्सपेक्टिव पे ही होने वाला है पूरा चैप्टर। तो ये क्या बोल रहा है, जो लाइन है यहाँ पे स्काई मीट करता है, जहाँ पे स्काई मीट करता है वो पॉइंट कौन सा है। तो वो पॉइंट, वो लाइन कौन सी रहती है, तो उसे हम होरिजन लाइन बोलते हैं। पैरेलल लाइन नहीं होती, स्काई लाइन नहीं होती, लैंड लाइन नहीं होती, तो ये होरिजन लाइन होती है। ठीक है। अ ड्राइंग टेक्निक दैट मेक्स ऑब्जेक्ट लुक्स 3D डिस्पाइट बेइंग ऑन अ 2D सरफेस। मतलब हम पेज पे ऑब्जेक्ट निकालते हैं जो 3D हमें दिखता है। हम अगर कोई ब्लॉग बनाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से 3D में दिखता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम पर्सपेक्टिव ड्राइंग बोलते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव ड्राइंग है, पेंसिल ड्राइंग जैसी मुझे नहीं लगता कोई चीज़ है। स्टिल लाइफ तो नहीं है ऑब्वियसली, और फैंसी ड्राइंग भी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहना चाहिए पर्सपेक्टिव ड्राइंग। अब देखो ये क्या सवाल है। ट्रीज एंड बिल्डिंग शुड अपियर डैश डैश एज दे गो बैक इन द स्पेस। जैसे जैसे वो दूर दूर जाएंगे वो क्या दिखने चाहिए, तो ये छोटे 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 दिखने चाहिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पे लार्जर दिया है तो ये नहीं हो सकता, स्मॉलर है तो ये करेक्ट है, सेम साइज नहीं आ सकता ना क्लियर आ सकता है। तो ऑप्शन क्या आना चाहिए, स्मॉलर ऑप्शन रहना चाहिए। ठीक है। वेयर इज़ द वैनिशिंग पॉइंट इज लोकेटेड इन वन पॉइंट परस्पेक्टिव। वन पॉइंट परस्पेक्टिव में इस ड्राइंग में वैनिशिंग पॉइंट कहाँ लोकेट किया गया है, तो ये ऑन द होरिजन है। ठीक है, वैनिशिंग पॉइंट हमेशा ऑन द होरिजन होता है। आप अगर ड्रॉ करो इसको पेज पे, तो हम दो जो वैनिशिंग पॉइंट लेते हैं या एक लेते हैं वैनिशिंग पॉइंट, वो ऑलवेज ऑन द होरिजन होता है। ठीक है, ये बिलो होरिजन नहीं होता, अबो होरिजन होता। ये जो फिगर ड्रॉ की है, ये जो फिगर ड्रॉ की है, ये बिलो द होरिजन लाइन ड्रॉ की गई है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट। योर आई लेवल इज ऑल्सो कॉल्ड, आई लेवल क्या होती है, आई लेवल को हम क्या बोलते हैं, तो आई लेवल को हम होरिजेंटल लाइन बोलते हैं। होरिजन लाइन तो नहीं होती जहाँ पे होरिजन टच करे, व्यू पॉइंट व्यू लाइन नहीं होती, और व्यूइंग लाइन ऐसा कोई मैंने चीज़ नहीं है। ठीक है। लर्निंग पर्सपेक्टिव ड्राइंग हेल्प टू क्रिएट एन इल्यूजन डेप बाय डेवलपिंग द 3D डायमेंशनल इमेज इन टू द 2D सर्फेस। ये ट्रू और फॉल्स से ये देखना है। तो पर्सपेक्टिव होता क्या है, तो 2D सर्फेस मतलब ये तो हो गया हमारा पेज, पेज पे हम क्रिएट करते हैं कोई ब्लॉक क्रिएट करते हैं, इसे हम पर्सपेक्टिव ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सही है गलत है, तो ये सही है, इसका जवाब सही मतलब ट्रू रहना चाहिए। ठीक है। अब देखो ये सवाल क्या है। व्हाट डू यू कॉल अ रीजन ऑफ अ ड्राइंग फ्रॉम विच द लाइट कम्स आउट। लाइट जो आती है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसे लाइट सोर्स बोलते हैं। ठीक है, लाइट सोर्स बोलते हैं। और जहाँ पे लाइट आती है, जहाँ पे लाइट पड़ती है सरफेस पे, उसे हम ब्राइट स्पॉट बोलते हैं, उसे हम ब्राइट स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखो थोड़ा सा, ताकि ये दोनों के दोनों सवाल आपके एग्ज़ाम में अगर आते हैं तो आपको ये याद रहे, एज इट इज़ आप इसको बोल पाओ। व्हाट डू यू कॉल द लाइन गोज फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू मीट द वैनिशिंग पॉइंट। अब देखो मैं यहाँ यहीं पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, वैनिशिंग पॉइंट ड्रॉ करूँ, ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूँ, तो ये जो लाइन रहेगी, इन लाइन को हम क्या बोलते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये तो पैरेलल लाइन हो नहीं सकती, क्योंकि पैरेलल लाइन तो एक दूसरे को पैरेलल रहती है, कभी एक एक पॉइंट में मीट नहीं करेगी। डिस्टेंस लाइन भी नहीं होती, डिस्टेंस लाइन ऑर्थोट्रॉपिक प्रोजेक्शन में होती है। मीटिंग लाइन भी ऐसे कोई चीज़ नहीं होती, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, तो रिसीडिंग लाइन और ऑर्थोगोनल लाइन, ये इसका सही जवाब आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस ड्राइंग वॉज मेड अप ऑफ यूजिंग, किस परस्पेक्टिव का यूज़ करके ये ड्राइंग बनाया गया है। 3 पॉइंट परस्पेक्टिव का यूज़ करके बनाया गया है, 2 पॉइंट परस्पेक्टिव का यूज़ करके बनाया गया है, 1 पॉइंट परस्पेक्टिव का यूज़ करके बनाया गया है, या 4 पॉइंट परस्पेक्टिव का यूज़ करके बनाया गया है। तो ये बनाया गया है, देखो ये एक पॉइंट में मीट हो रहा है, तो ये किस पॉइंट पे बनना चाहिए, तो ये 1 पॉइंट परस्पेक्टिव में बनाया गया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो क्लियर समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक पॉइंट में, ये क्लियरली दिखता है कि एक पॉइंट पे सब कुछ मीट हो रहा है, तो इसे हम 1 पॉइंट परस्पेक्टिव में ही बोलते हैं।
सिमिलरली इसका जवाब आप अगर चाहो तो मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो क्या आएगा, 1.2 पॉइंट 3 पॉइंट और 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। ये अगर ड्राइंग देते हैं तो ये किस में पूछ रहा है, दिस ड्राइंग वाज मेड अप ऑफ यूजिंग 1.2 पॉइंट 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। अब देखो, अब यहाँ पे एक डाउट वाली चीज़ है कि ये ऊपर से ड्रॉ कर रहा है ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ऊपर से ड्रॉ कर रहा है इस तरीके से ये चीज़ दिख रही है, पर ऐसा एक्चुअल में है नहीं। ये जो ड्राइंग बनाई है ये देखो, एक वैनिशिंग पॉइंट यहाँ दिख रहा है और एक वैनिशिंग पॉइंट यहाँ दिख रहा है, तो दो वैनिशिंग पॉइंट इस तरीके से दिख रहे हैं, तो ये एक्चुअली टू पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनना चाहिए। अब टू पॉइंट पर्सपेक्टिव में कैसे होगा ये भी थोड़ा सा समझ लो, टू पॉइंट पर्सपेक्टिव में कैसे होगा थोड़ा ये भी आप थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो ये देखो, यहाँ से अगर मैं लाइन ले लूँ तो इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ कर पाऊँ तो ये सब चीज़ें पैरेलल पैरेलल दिखेंगी, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये टू पॉइंट पर्सपेक्टिव में ड्रॉ किया गया, क्योंकि टू वैनिशिंग पॉइंट पे मीट कर रहा है। थ्री पॉइंट में होता तो ऊपर एक पॉइंट होता और जहाँ पे सब लाइन इस तरीके से मीट होती, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको प्रॉब्लम क्लियर होगा, इस टाइप के प्रॉब्लम आपके सर भी करवाएंगे जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा, तो इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उस पर सर एक 20 प्रॉब्लम्स आपके करवाएंगे जो एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, स्लाइड चांस है पूछे जाने का पर आ सकते हैं। अब देखो, अब ये किस परस्पेक्टिव में है, ये किस परस्पेक्टिव में ड्रॉ किया गया, 1.2 पॉइंट 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, तो ये किस परस्पेक्टिव में ड्रॉ किया गया होगा। अब देखो, अगर मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन एज अ कंसिडर कर लूँ, तो इस स्ट्रेट लाइन से सब मेरी जो लाइन अगर ड्रॉ करूँ तो ये यहाँ पे मीट होने के मीट हो रही है, ठीक है, कि यहाँ पे मीट हो रही है। सिमिलरली इसी पॉइंट से ये सब यहाँ पे भी मीट हो रही है, एक पॉइंट में मीट हो रही है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो ड्राइंग है ये टू पॉइंट पर्सपेक्टिव में ड्रॉ किया गया है, ना कि थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो हमें अगर ये दिखता है टू पॉइंट पर्सपेक्टिव में, टू पॉइंट में दिखता है, तो हमें क्या क्या विजिबल होना चाहिए, तो तीन सर्फेसेस विजिबल होते हैं, जनरली तीन सर्फेस विजिबल होते हैं, वो भी सामने से तीन सर्फेस विजिबल होंगे, ठीक है। अब ये देखो, इफ टू लाइंस आर इन द सेम डिस्टेंस अपार्ट एंड नेवर गोइंग टू क्रॉस ईच अदर, अब ये तो हमने बचपन में ही पढ़ा होगा, जैसे हमने बचपन में ही पढ़ा होगा कि पैरेलल लाइन क्या होती है, तो पैरेलल लाइन क्या होती है, जो लाइन एक दूसरे को समांतर हो, पैरेलल हो, और वो कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेगी, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, उसका उनका जो बीच का डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, ऐसे लाइन को हम पैरेलल लाइन बोलते हैं, ऐसे लाइन को हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो यही इसका आंसर है, पैरेलल लाइन। कन्वर्जिंग लाइन का मीनिंग क्या होता है, अगर एक लाइन पे सब लाइन मीट कर रही है तो इसको कन्वर्जिंग पॉइंट बोलते हैं, इसी पॉइंट से बनने वाली लाइन को कन्वर्जिंग लाइन बोलते हैं। द सेम ये कोई नहीं होता, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बता दिया है, ड्रॉ करेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, कुछ थ्योरी क्वेश्चन भी थे जो लेने जरूरी है। व्हाट डू यू कॉल द डॉट ऑन द होरिजन, इसे इस डॉट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ये सवाल है, बहुत इजी सवाल होते हैं। देखो ये इस डॉट को क्या बोलेंगे, फॉर एग्जांपल ये वन पॉइंट में हो गया, ये वी पी वन नाम देते हैं इसको, अगर टू पॉइंट में लेते इसी को, तो यहाँ पे मैं दो पॉइंट लेता और इसको टू पॉइंट पर्सपेक्टिव और वी पी टू बोलता, ठीक है, वी पी टू और टू पॉइंट पर्सपेक्टिव, टू पॉइंट हो गए तो टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। अगर तीन वैनिशिंग पॉइंट ले लूँ, दो लाइन पे और एक ऊपर या फिर एक नीचे, अगर मैं वैनिशिंग पॉइंट ले लूँ तो इसको मैं थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव बोलूँगा, ठीक है। और चार पॉइंट फोर पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या रहता है, मैं ऊपर भी पॉइंट लूँगा और नीचे भी पॉइंट लूँगा, ऊपर भी मैं दो पॉइंट लूँगा नीचे भी दो पॉइंट, ऊपर भी एक पॉइंट लूँगा नीचे भी एक पॉइंट लूँगा, और लेफ्ट और राइट तो पॉइंट है। अगर फाइव पॉइंट पर्सपेक्टिव देखना है तो चार पॉइंट तो नॉर्मल रहेंगे पर एक पॉइंट हमारा सेंटर में भी आएगा, तो इसे हम फाइव पॉइंट पर्सपेक्टिव बोलते हैं। तो जैसे जैसे वैनिशिंग पॉइंट बढ़ते हैं वैसे वैसे हम उसको नाम देते हैं। तो वैनिशिंग पॉइंट क्या है, जो पॉइंट ओरिजिनल लाइन के रिस्पेक्ट में लिए जाए उनको हम वैनिशिंग पॉइंट ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, तो वैनिशिंग पॉइंट इसका आंसर रहेगा।
इट इज़ द बेस्ट टू यूज़ अ रूलर टू मेक अ परस्पेक्टिव ड्राइंग। तो इसका जवाब है हाँ, जब आप सिविल इंजीनियरिंग के ड्राइंग करोगे या फिर प्लानिंग के ड्राइंग देखोगे तो इसमें रूलर का इस्तेमाल ज़रूर होता है। जब ये ड्राइंग सब्जेक्ट में किया जाता है तो ये रूलर का इस्तेमाल कभी नहीं करता। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो ट्रू होना चाहिए। ठीक है, परस्पेक्टिव ड्राइंग शुड बी विद द हेल्प ऑफ रूलर। ठीक है, व्हाट डू यू कॉल द लाइन ऑन द कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट द स्ट्रेट अप एंड डाउन। अब देखो, अगर मैं इस तरीके से ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूँ तो ये पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल ऐसा अगर मैं ड्रॉ करूँ ऑब्जेक्ट तो ये पूछ रहा है कि इस लाइन को क्या बोलेंगे। स्ट्रेट अप एंड डाउन वाली लाइन है तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं हम, तो इसको हम टॉल लाइन बोलते हैं। कन्वर्जिंग लाइन नहीं होती, पैरेलल लाइन नहीं होती, होरिजन लाइन नहीं होती, तो ये टॉल लाइन होती है। ठीक है, व्हाट डू यू कॉल द लाइन दैट अपीयर टू रिसेड ओवर द होरिजन। रिसेड ओवर द होरिजन मतलब जो होरिजन को टच करे, ऐसी लाइन्स, ये जो लाइन्स रहेंगी इनको हम क्या बोलेंगे, तो रिसीडिंग लाइन, ऑर्थोगोनल लाइन हम इनको बोलेंगे। और ये आखिरी सवाल है, इसका आपको गूगल करके आंसर देना है। आप गूगल पे इस आंसर को सर्च करो क्या है इसका आंसर, और फिर देना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक काफ़ी हो जाएगा मेरे दोस्तों। एक छोटा सा पर्सपेक्टिव के बारे में थोड़ा सा बताना था, इस पर क्वेश्चन भी करवाएंगे, पर ये पहले आप थोड़ा सा देख लो। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।